आपने यहाँ पर डायल बटन पर क्लिक कर देने हैं और यहाँ पर आपने टाइप कर देने हैं 7 7 86 हैश, और यहाँ पर आपने इसको 1 में हो तो 1 है करें, 2 है 2 में करें, तो मैं यहाँ पर 2 में ही। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल पेमेंट है, तो आपने यहाँ पर 4 टाइप कर देना है, उसके बाद फिर आपने सेंड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखें कॉर्पोरेट चार्ज दोबारा टाइप कर लें, उसके बाद फिर सेंड पर क्लिक कर लें। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहे हैं कि पे अकाउंट है, पे कंपनी है, तो पीस कलेक्शन है, तो आपने 3 टाइप कर देना है। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है जो थर्ड वन है उसको 3 टाइप कर लें, उसके बाद सेंड पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपने जो है ना 2 टाइप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने जनरल रिकमेंड पीस जो है ना 2 टाइप कर लें और सेंड पर क्लिक कर लें। ओके, उसके बाद फिर आपने 80 आप यहाँ पर टाइप कर लें, उसके बाद फिर आप यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर जो है ना डैश आपने हटा देना है, उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डियर कस्टमर यू आर पेइंग आर एस 500 पर जनरल रिक्वायरमेंट पी सर्विस चार्जेस आर 28.75 इंक्लूड आप पेड पीडी टोटल पीस विल बी 528.75 पी सेंटर 5 डिजिट पिन। सो 528 रुपये आपसे कटेंगे। यहाँ पर आपने 5 डिजिट पिन आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो फिर उसके बाद हम पिन भी देंगे, तो वो पिन आपने यहाँ पर टाइप कर देना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। ओके, सो ट्रैकिंग आईडी यू हैव सक्सेसफुली पेड RS 528.75 टू KPK पर जनरल रिकमेंड पीस यू न्यू बैलेंस RS 119.80। तो ये जो ट्रैकिंग आईडी है हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। ओके, और मैं यहाँ पर ये जो है ना ये इधर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और कॉपी कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर इधर दे दूँगा। ओके, यहाँ पर अब मैंने इस ट्रैकिंग आईडी को उधर टाइप कर देना है। ओके, जो ट्रैकिंग आईडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई कोड पर क्लिक कर लें, और यहाँ पर जो है ना आपने कैसे पे किया तो आप यदि पैसा कर देना है, और ट्रांजेक्शन आईडी जो होती है वो तो आपका TRX ID होती है ना, ट्रांजेक्शन आईडी, तो आपने वो यहाँ पर टाइप कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजी कॉलेज वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है ना ये वाला सिलेक्ट कर ले, उसके बाद वेरीफाई ट्रैकिंग IDTID सिलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर टाइप कर सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्ट पोस्ट सीरियल नंबर टाइटल जो है ना, इसको आपको यहाँ पर 11 सिलेक्ट करें। मैं आपको जो स्टार्टिंग मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाए थे तो वो यहाँ पर आपने चेक कर ले, अगर आपका जो SS के लिए आप अप्लाई करें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए तो वो आपके पास आ जाए। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथ्स एंड मैथ्स, इसको मैं टिक मार्क कर दूंगा। उसके बाद तो नीचे आ जाएंगे और ये आपसे पूछ रहा है डू यू हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास इस पोस्ट के लिए दरकार तालीम है। मीना से पूछ रही है कि आपने BSc किया है या MS जो उसका रिक्वायरमेंट है, अगर हाँ तो यस करेगा, नहीं तो आप इसको अप्लाई ना करें। डू यू हैव रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, क्या आपके पास इस पोस्ट के लिए मतलूबा तजुर्बा है। सो या आर यू विद इन एज लिमिट, क्या आपकी उम्र इस पोस्ट की उम्र के हद के मुताबिक है। तो यस, यहाँ पर अंडरटेकिंग है आई क्लियरिफाई द स्टेटमेंट मेड इन द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन आर ट्रू कंप्लीट एंड करेक्ट टू बेस्ट माई नॉलेज एंड ब्रीफ आई फॉलो रिक्वायरमेंट इंक्लूड पीस। इसमें पूछा है आपको जो है अंडरटेकिंग है आपने जो भी दिए हैं वो सही दिए हैं, आपने फेक नहीं दिया है, अपने दिया है, और यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर जो है ना अप्लाई पोस्ट पर क्लिक कर दे। ओके, तो यहाँ पर मैं दोबारा चेक कर देता हूँ कोई मिस्टेक ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पर दोबारा चेक कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आप दोबारा चेक कर लें। ओके, उसके बाद फिर आप यहाँ पर अप्लाई येस आई एक्सेप्ट द अबाउट स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, सो अप्लाइड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रिंट योर एप्लीकेशन।